दोस्तों आज हम एक कंपैरिजन वीडियो करेंगे दोनों गाड़ियों के बीच में। दोनों गाड़ियां अपनी है, एक 5310 है 4x4 और एक है अपना 5210। दोनों ही जॉन डियर का ही है और 4x4 में आते हैं। और ट्रैक्टर साला की डिफरेंसेस में इंजन का तो है ही, लेकिन मैंने जो ये दोनों गाड़ियां ली इसमें क्या डिफरेंस हो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, दोनों का आप जो बेजिंग है देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। ये गाड़ी अपना जो अभी जिस पे मैं खड़ा हूँ ये वाला, ये 5310 है 4x4 और वो रहा आपने 5210 4x4। आप मीटर कंसोल देखिए गाड़ी का, उस गाड़ी का भी मीटर कंसोल देखिए, पूरा सेम टू सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। स्टेयरिंग साइज, गियर अपने लीवर का पोजीशन, ब्रेक क्लच का पोजीशन सेम, उस गाड़ी में भी ब्रेक क्लच का पोजीशन सब कुछ सेम है। हुड साइज सब कुछ सेम है। और फ्यूल टैंक का बात करें दोस्तों, तो ये अपना 68 लीटर्स का आता है फ्यूल टैंक, और ये 5310 में, और अपना ये जॉन डियर 5210 में इसका भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 68 लीटर का है। लाइट्स का साइज देख सकते हैं, स्टाइल जो भी है बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। टूल बॉक्स यहाँ भी पीछे दिया गया है, 5310 में भी टूल बॉक्स दिया गया है। डिफरेंस आपको ये दोनों गाड़ी में नज़र आएगा, ये नॉर्मल टायर्स हैं 5210 में, ये जॉन डियर 5310 में या BKT टायर्स आते हैं। 5210 को नॉर्मल टायर मैं इसीलिए लिया था क्योंकि इसको ट्रॉली पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर पाऊँ। और अगर रोटोवेटर का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 6.5 फिट का रोटोवेटर है, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, 6.5 फिट का रोटोवेटर है। और जो जॉन डियर 5310 का, उसका भी रोटोवेटर यहाँ रखा गया है, वो भी 6.5 फिट का ही है, 72 ब्लेड्स वाला। दोनों का बिल्कुल साइज सेम है, लिफ्टिंग कैपेसिटी यहाँ से मिलता है इसको, और ये करीब 2 टन का है, 5210 में भी 2 टन का है। साइड से देख सकते हैं टायर्स का साइज जो है, 16x28 दोनों के टायर्स हैं, और सामने के ये जो टायर्स हैं 9.5x24 का आते हैं, और सेम टू सेम 5210 में भी 9.5x24 के आते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इंजन का पावर का डिफरेंस है, जो अपना 5310 है ये करीब 55 HP का इंजन लगा हुआ है इसमें 3 सिलेंडर, और जो अपना 5210 है इसमें भी अपना 50 HP का 3 सिलेंडर इंजन रखा हुआ है। और एक्साइड का बैटरी है मिल जाता है यहाँ पे अंदर, और सेम टू सेम एक्साइड का बैटरी है मिल जाता है इसके अंदर भी। लाइट्स, बेजिंग सब कुछ सेम है, बस बम्पर में डिफरेंस, इसका बम्पर थोड़ा सा लिफ्ट किया गया ऊपर, इसका थोड़ा सा नीचे, और लगभग स्टाइल भी चेंज है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और टायर साइज तो जिसमें मैंने आपको दिखा सेम है, और गाड़ी का पावर में डिफरेंस है, और पावर में डिफरेंस और थोड़ा फील इसलिए भी होता है क्योंकि टायर के वजह से, ये BKT टायर्स हैं, और ये देख सकते हैं BKT, और 16x28 के टायर्स हैं। फुट स्टेप 5310 में भी आपको यही मिल जाता है, सेम टू सेम फुट स्टेप आपको 5210 में भी सेम जगह पर मिल जाता है। और गियर लीवर पोजीशन आप देख सकते हैं जहाँ पे है, सेम टू सेम पूरा बिल्कुल अपना 5310 में भी। मीटर कंसोल, स्टेयरिंग साइज सब कुछ सेम है, और हुड वो भी एक ही जगह है, मतलब पूरा सेम टू सेम, कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस डिफरेंस है तो पावर में है, और कोई चीज़ का डिफरेंस नहीं है। एप्लीकेशंस अलग अलग होते हैं, जो गाड़ी किस लिए लिया जाता है, ये गाड़ी हमने लिया था ट्रॉली पर्पज़, ये गाड़ी हमने लिया था ट्रॉली पर्पज़ के लिए और साथ में रोटोवेटर के लिए, और ये गाड़ी हमने लिया था सिर्फ और सिर्फ रोटोवेटर के लिए, ये गाड़ी का रोटोवेटर यहाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से था हमारा कंपैरिजन वीडियो दोनों गाड़ियों का, जॉन डियर 5310, जॉन डियर 5210, दोनों 4x4। और एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिया, ये ट्रॉली प्लस रोटोवेटर के लिए हमने लिया था 50 HP 3 सिलेंडर इंजन, 55 HP 3 सिलेंडर इंजन ओनली फॉर रोटोवेटर, 6.5 फिट 72 ब्लेड के लिए। और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, इंजन स्पेसिफिकेशंस बता दिए मैंने आपको, टायर साइज बता दिया, लाइट फाइट सब कुछ जो भी हमने आपको बता दिया, डिफरेंस आपको समझ में आया सरल भाषा में। और कैसा लगा वीडियो हमको बताइएगा कमेंट करके, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको गाड़ियों का जो भी अपडेट है वो तुरंत तुरंत मिल पाए। डिफरेंस क्या है वो आपको अगर समझ में आया तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइए।